बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके सामने लाई हूँ वो है बर्गर। शामी बर्गर हम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। और अगर आप लोग घर पे बच्चों को बना के देंगे तो ये है कि बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं होगा, क्योंकि घर की खालिस चीज़ें और साफ सुथरी होती हैं। तो बाजार से अवॉइड किया करें चीज़ों को। तो ये देखे, मैं बर्गर बनाने लगी। ये बन गई है, हमने ये काट के हमने रख दिए। अंडा लिया है, अंडे को हम हल्का सा इसमें नमक डाल के ठीक है अच्छे से फेंट लेंगे। ये हमने अच्छे से फेंट लिया, इसको बीट कर लेना है अच्छे से। आपके पास अगर बीटर है तो उससे कर ले, नहीं तो मैं तो इसी से करती हूँ ठीक है। और हमने फ्लेम को ऑन किया हुआ था, तवे पे ऑयल डाल के, ऑयल हो गया है गरम। शामी कबाब हमने लिए ठीक है, और साथ में मैंने इसमें मायोनीज, केचप और थोड़ा सा चिली सॉस ऐड किया। और हल्की सी इसमें हम करेंगे काली मिर्च ऐड। ठीक है, अब इसको भी हम करेंगे मिक्स अच्छे से। ये घर में हम चीजें अगर बना के रखें तो बच्चे कभी भी बाजार की चीजें नहीं मांगेंगे और ना ही वो बाजार की खाएंगे। घर में अलग अलग बच्चों को चीजें बना के दें अच्छी साफ सुथरी। ये हमने अलग कर ली। अब ये हमने फ्लेम को ऑन किया है, शामी को इसमें करेंगे डिप। ज़रा मैं शामी कबाब कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ ठीक है। ये देखें, इसमें डिप करने के बाद ठीक है, इसको मैंने शामी को डिप कर लिया। अब मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लें या दूसरे क्रम्स ले लें, जो भी आप लोग घर में बनाते हो या मार्केट से यूज़ करते हो। ये मैंने 2 टेबल स्पून क्रम्स ले लिया। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि शामी कबाब जो मैं इस तरह फ्राई करके अपनी बेटी को बर्गर बना के देती हूँ तो वो बहुत शौक से खाती है। चलिए अब हम इसको फ्राई करते हैं। चलें, ऑयल हमारा गरम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आप शामी कबाब को इस तरह क्रम्स लगा के अपने बच्चों को खिलाएं या बड़ों को सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। शामी बर्गर लगता ही नहीं है, KFC स्टाइल में बन जाता है ये बर्गर। ठीक है, ये हमने दूसरा भी इसमें डाल दिया। हल्के फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, ज्यादा डार्क नहीं, डार्क ब्राउन नहीं करना है इसको, लाइट लाइट ब्राउन में इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए कलर आ गया। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं। अब हमने अंडा फ्राई करना है। एग हमारा हो गया, अब इसको भी निकालेंगे प्लेट में। अब जो ये ऑयल है ऊपर, इससे हम बंद गरम कर लेते हैं। चलो इसको थोड़ा सा गरम कर ले। गरम हो गए, अब हम इसे जल्दी से उतार लेंगे। प्लेट में हमने रख लिए। चलिए फ्लेम बंद कर दी। चलें, आपको कैमरे में लग रहा होगा कि ये ज़्यादा जल गए, लेकिन ज़्यादा नहीं चले, ये लाइट लाइट ब्राउन कलर, डार्क डार्क ब्राउन कलर के सॉरी हो गए ठीक है। अब हम इस पे ये जो सॉसेस हैं वो लगाएंगे।
बाजार से घर में बहुत अच्छे शामी बर्गर बनते हैं। ठीक है, ये देखें कितने क्रिस्पी, आपको मैं इसका चेक करवाती हूँ, आप यकीन करोगे अभी कभी शामी कबाब ऐसे, ये देखें ज़रा भी नहीं टूट रहे। ठीक है, शामी कबाब अगर इस तरह बनाएंगे तो वाकई में बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। रुकिएगा, ये हमने सलाद का रखा, फिर उसके ऊपर शामी कबाब, यहाँ पे भी हमने इसको बंद गोभी का रखा, साथ में हम रखेंगे शामी कबाब, ये हमने इस पर हमने सॉसेस लगा दिए ना, आपको जितना सॉस पसंद है आप उसी हिसाब से लगाएं, अगर चटनी वगैरह भी आप पसंद करते हो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को चटनी नहीं देती। ठीक है, अब हम रखेंगे एग, ये देखिए इस पे हमने एग लगा दिया, दूसरे पे भी हम गोल सर्कल में काट के रखेंगे। ठीक है, अगर इस तरह रख सकते हैं तो बेशक इस तरह रख लें, नहीं तो आप गोल गोल भी बना सकते हैं, मैंने तो इस तरह रखी है। ये ले हमारे बर्गर हो गए हैं रेडी, शामी बर्गर बहुत ही मज़े के साथ में, मैंने केचप रखी है साथ में, हमारे बर्गर रेडी हो गए हैं, तो वो प्लीज़ अपने बच्चों को ट्राई करके ज़रूर खिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे शामी बर्गर कैसे लगे। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।